बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसके मुआवजे के लिए डिंडौरी में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और 100% मुआवजे की मांग करने लगे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन जमकर बरसे और हाईवे पर जाम लगा दिया। पिछले महीने 19 तारीख को बेमौसम बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुआ, जो पूरे डिंडोरी जिले के हर एक नागरिक को पता है, हर एक अधिकारी कर्मचारी को पता है और कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिले के सभी अधिकारियों के द्वारा, तहसीलदार पटवारियों के द्वारा खेतों में जा जाकर फसल का निरीक्षण भी किया गया। लेकिन 100% फसल नुकसान होने के बावजूद भी जब मुआवजा बनाने की बात आई तो उन्होंने लगभग 35%, 40%, 53-52% की बात कर रहे थे और हमने जब रिकॉर्ड देखा उन्होंने 50% तक ही मुआवजा बनाया है। आज हमारे क्षेत्र के सभी किसान मांग करने के लिए यहाँ आज आए थे कि उनको जिनकी फसलें 100% नुकसान हुई है उनको पूरा 100% का 100% मुआवजा दी जाए।